ये वो जो ये जो पटना में जो शॉपिंग मॉल का जिसका आज ईडी में रेड हुआ है, इसके बारे में तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि उसको क्यों नहीं जिक्र किया है। तेजस्वी जी ने बहुत सारी छद्म कंपनियां बनाई हैं, उन छद्म कंपनियों के द्वारा उन्होंने अपने गाय दूहने वाले से लेकर के चाणक्या होटल तक के मालिक से जमीनों को जो गिफ्ट किया है उनका जिक्र क्यों नहीं करते हैं। तेजस्वी जी को एक लिस्ट बनानी चाहिए कि किस किस कंपनी में उनके किस किस चतुर्थ वर्गीय रेलवे के कर्मचारी ने उनको जमीन दिया है, किस किस बड़े उद्योगपतियों ने उनको जमीन दिया है, प्रेम गुप्ता जी ने उनको कौन कौन सा फार्म हाउस गिफ्ट किया है। ये जो उनके पास अकूत जमीन विभिन्न गिफ्ट के माध्यम से मिली हो, चाहे वह उनके घर में गोपालगंज का गाय दूहने वाला आदमी हो और चाहे प्रेम गुप्ता जैसे बड़े व्यवसायी हो, इन सब जमीनों का ब्यौरा, चाहे वो जिस कंपनी में ये सब जमीनें हो उनका भी ब्यौरा देना चाहिए, जैसे बिहार को जान सके पूरा बिहार यह जान सके कि जैसे कर्ण सबसे बड़े इस दुनिया के दानकर्ता माने जाते हैं, वैसे तेजस्वी यादव दुनिया के सबसे बड़े दान देने वाले हैं। एक सवाल है, जगदान सिंह ने आप लोगों पर सवाल खड़ा किया कि 4 महीने उनका आपस का मामला है, वो आपस में समझें। भारतीय जनता पार्टी का साफ मानना है कि महागठबंधन एक पूरे धोखे से बनी सरकार है। नीतीश कुमार जी को 43 के बावजूद उन्होंने भाजपा को धोखा दिया और तेजस्वी यादव जी ने पूरे बिहार की जनता को धोखा दे करके 75 सीट प्राप्त किया था। आज पूरे बिहार की जनता इंतजार कर रही है कि 10 लाख नौकरियां किस दस्तखत से मिलेंगी। पूरे बिहार के युवा इंतजार कर रहे हैं कि हर जो यह घोषणा किया गया था कि सभी बच्चों को हम परीक्षा का फीस माफ करेंगे, वह कब होने जा रहा है। पूरे बिहार के युवा यह इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने तेजस्वी जी ने ही नहीं, पूरे महागठबंधन ने यह घोषणा किया था कि बिहार का कोई भी युवा किसी भी स्थान पर जाएगा परीक्षा देने तो उसके आने जाने का खर्च होगा, उसका भी इंतजार कर रहे हैं। वो उसका भी इंतजार कर रहे हैं कि जब पिछली बार क्वेश्चन लीक हुआ था तब तेजस्वी जी ने इसको कहा था कि जो भी परीक्षा देने बच्चे आए हैं उन सबको 5-5 हज़ार मुआवजा मिलना चाहिए जिससे कि वह दोबारा परीक्षा दे सकें। आज जब BPSC और BSSC की परीक्षा लीक हुई है तो वह सारे युवा आज बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी जी का 5 हज़ार रुपया उनके खाते में कब आएगा। असल बात क्या है कि उनको जानकारी रास्ते की है नहीं और पारू जाने का कहाँ से है। 17 साल बाद भी नीतीश कुमार जी जान नहीं पाए कि पारू बिहार के किस कोने में अवस्थित है और इसीलिए वह पूर्णिया एयरपोर्ट पे उतार रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि पूर्णिया के पास ही कहीं पारू क्षेत्र है। वो उनकी गलती नहीं है अगर आप हमेशा कमरे में बंद रही है और 4 लोगों के सहारे प्रतिदिन शाम को पूरा बिहार डील कीजिए तो आपका यही हश होता है। बिहार के कृषि मंत्री को शर्म आनी चाहिए। मैं प्रतिदिन डाटा जारी कर रहा हूँ, पिछले 1 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि बिहार के पास 80,000 टन से कम यूरिया हो, 70,000 टन से कम DAP हो और उसके बाद भी बिहार के प्रत्येक जिले में जब किसानों के लाइन की दुखदायी खबर मिल रही है, यह बता रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जानबूझ करके एक ऐसे कृषि मंत्री को बनाया जिसके साथ पूरा कृषि मंत्रालय समाप्त हो सके और किसान हर जिले में आज जो हाहाकार कर रहा है, मैंने आज भी डाटा जारी किया है, आज के दिन भी 70,000 टन यूरिया बिहार को उपलब्ध है, 1 लाख टन यूरिया DAP को उपलब्ध है, उसके बाद भी हर जिले में हर शहर में आपको यह पता चल रहा है कि लाइन नहीं लग रही है, टूट रही है, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। तो माननीय नीतीश कुमार जी का जो कृषि का मैनेजमेंट है इससे असफल, आखिर अगस्त से पहले तो बिल्कुल स्थिति ठीक थी, पिछले वर्ष जरूर हम लोग को इजिप्ट से दिक्कत हुआ था कि मिस्र से यूरिया नहीं आ सका। आज जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा बरौनी का कारखाना चालू हो गया है, गोरखपुर का कारखाना चालू हो गया है, पूरे देश में कहीं यूरिया की कमी नहीं है,
तो बिहार में एक कृत्रिम यूरिया की कमी बना करके जो व्यवसायी हैं और जो कृषि के पदाधिकारी हैं दोनों मिलके बिहार के किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। और 2020 का चुनावी घोषणा पत्र भाजपा ने जारी किया था। मैं चैलेंज करता हूं सभी महागठबंधन उम्मीदवार के दलों को कि भाजपा का 2020 का घोषणा पत्र देखें और उसमें भाजपा ने क्या नहीं किया यह बताएं, जबकि महागठबंधन का घोषणा पत्र पूरे तौर पर झूठ का पुलिंदा था। आज भी मैं इंतजार कर रहा हूं कि दीपांकर भट्टाचार्य कब बिहार के सभी रसोइयों को, सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सभी सहायिकाओं को कब वह परमानेंट नौकरी देने जा रहे हैं जिसकी घोषणा माले हमेशा करता था, कब कांग्रेस सभी किसानों का कर्ज माफ करने जा रही है जिसकी घोषणा कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था, कब जो भी हमारे युवा हैं उनको 10 लाख नौकरियां मिलने जा रही हैं, 4 महीने में जितनी नौकरियां बांटी गई हैं सब भाजपा के समय की नौकरियां हैं, उनके द्वारा नौकरी के इंतजार आज भी CTET और BTET के कार्यक्रम के बच्चे कर रहे हैं। मैं तो कहा कि आप उनको नौकरी दीजिए, मैं खुद धन्यवाद दूंगा। अभी नीतीश कुमार जी अपनी यात्रा की शुरुआत चंपारण से कर रहे हैं। इसी चंपारण की भूमि पर 2005 में उन्होंने घोषणा किया था कि बगहा को जिला बनाएंगे, वह आज तक मेरा जिला इंतजार कर रहा है। हमारे मझौलिया में लाल सरैया को और सुगौली में रघुनाथपुर को ब्लॉक का दर्जा देंगे। मेरा नीतीश ये अनुरोध रहेगा कि उनके बस का तो नहीं है लेकिन कम से कम जमीन का अधिग्रहण करके जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको कम से कम बिहार में जारी रखें। आज बगल में 8-8 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है, बिहार शून्य पे खड़ा है। बगल में 1,00,000 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रीज आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार शून्य पे खड़ा है। 1 मेगा टेक्सटाइल पार्क का हम लोगों ने उन्हीं के द्वारा पास भी कराया था, 1700 एकड़ जमीन भी रतवल में दिलवा दिया था। उस केवल 1 मेगा टेक्सटाइल पार्क से 1,00,000 नौकरियां मिलती। आज 4 महीने से महागठबंधन की सरकार मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में केंद्र से एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। तो यह सरकार जो है यह उद्योग विरोधी सरकार है, यह सरकार युवाओं के रोजगार विरोधी सरकार है, यह सरकार यूरिया और माफिया की सरकार है, यह सरकार जितने भी अपराधी तत्व हैं उनकी सरकार है। और यह तो IPS का भी जो ट्रांसफर हम लोगों ने देखा है, मुझे लगता है कि बिहार के, मुझे तो भट्टी साहब से ये उम्मीद थी कि कम से कम वह ईमानदार अफसरों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो नई ट्रांसफर की लिस्ट बनी है वह साफ बता रहा है कि अब जो ईमानदारी से अपराधियों को पकड़ेगा वह उसका तबादला हो जाएगा और बेईमान ही लोग अब बिहार में राज करेंगे। धन्यवाद। साथ बैठ करके ही निर्णय हुआ था और आज जातीय जनगणना का जो गणना है कैसे हो रही है इसके लिए भी सभी दलों की बैठक बुलाना चाहिए था, आज किसी को नहीं बुलाया जा रहा है। नीतीश जी ने जैसे पंचायती राज में और नगर में पिछड़ों का हक छीना है, बिहार एकमात्र प्रदेश है जहां 37% आरक्षण है, हिंदुस्तान के हर एक प्रदेश में 50% आरक्षण है, बिहार एकमात्र प्रदेश है जहां केवल 37% आरक्षण इन्होंने दिया है। केवल नीतीश जी झूठ बोलने का काम करते हैं। आज भी जातीय जनगणना हो रही है, जब सभी दलों ने, हम सब गए थे, खुद जनक राम हमारे प्रधानमंत्री जी से मिले गए थे, जो बैठक हुई थी पटना में जिसमें सबकी सहमति बनी थी, मैं स्वयं उस बैठक में मौजूद था। आज क्या कारण है कि सभी दलों के नेताओं को बैठा करके जातीय जनगणना कैसे होगी इसको नहीं बताया जा रहा है, यह सार्वजनिक करना चाहिए। सभी दलों ने जब आपका साथ दिया जातीय जनगणना पर, तो आज जातीय जनगणना कैसे हो रही है, इसमें कैसे गलतियों को रोका जाएगा, इसमें कैसे रोहिंग्या मुसलमानों को नहीं शामिल किया जाएगा, जो फॉरवर्ड है उन अल्पसंख्यकों को पिछड़ों में नहीं गिना जाएगा, इसको भी नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए। नहीं तो नीतीश कुमार जी का यह जो पूरा कार्यकलाप है कहीं ना कहीं वह शक पैदा करता है। अगर आपने जिस तरह से सभी दलों को बुला करके जातीय जनगणना के लिए हाँ किया और सभी ने हाँ किया, आज उसका तरीका भी सभी दलों को बुलाकर जरूर बताना चाहिए। नीतीश कुमार जी 5 जनवरी से यात्रा पर जा रहे हैं।
वह तो सबसे पहले हमारे यहाँ जा रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ जा रहे हैं, लेकिन मेरा आज भी 727AAA के लिए 3000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दे चुकी है सेवरही का, उसका जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। मेरे यहाँ पर हल्दिया रक्सौल का 2023 में काम शुरू होना था, आज भी उसके जमीन अधिग्रहण की मार्किंग नहीं हुई है एक्सप्रेसवे की। आज भी गोरखपुर से लेकर सिलीगुड़ी जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो कि चंपारण से होकर गुजरेगा, कोई उसकी मार्किंग नहीं हुई है। बेतिया का संग्रहालय के लिए 5 बार मैं उनसे मिला हूँ, ये 45 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है आपके पास, बेतिया राज की इतनी जमीन खाली है, दे दिया, आज तक उन्होंने जमीन नहीं दिया है। केंद्र सरकार के पैसे का भी काम जो सरकार नहीं कर पा रही है, उस सरकार को बिहार में रहने का कोई हक नहीं है। प्रवक्ता विवेकानंद पासवान जी, मीडिया प्रभारी द्वय राकेश यशोर जी और सभी पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सब से क्षमा मांगता हूँ कि पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी के बैठक काफ़ी लंबी चली और इसके कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी समय में मुझे स्थगित करना पड़ा, और आप सबको जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कुछ स्थितियाँ हम सभी के हाथ में नहीं होती हैं। बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का कल पटना में आगमन हो रहा है, और वह वैशाली लोकसभा के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल उनका आगमन पटना एयरपोर्ट पे होगा और वहाँ से सड़क मार्ग के द्वारा वह सीधे पारू हाई स्कूल वैशाली जाएंगे। लगभग 12:30 बजे वहाँ पे उनका आगमन होगा, और यह पहली एक सम्मेलन है जो कि लोकसभा स्तरीय है। इसमें केवल वैशाली लोकसभा के ही हमारे कार्यकर्ता बंधु पन्ना प्रमुख, हमारे बूथ अध्यक्ष, उन सबों की एक सभा होगी, और उस सभा को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ही संबोधित करेंगे। उसके पश्चात वैशाली लोकसभा के दृष्टिकोण से एक बैठक होगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जी की। बैठक के बाद वह हरिहरनाथ मंदिर आएंगे, वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, और उसके बाद पटना से वापस फ्लाइट ले लेंगे। हमारे लिए यह बेहद गर्व का क्षण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, और ख़ास करके बिहार में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मेहनत और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों के कारण जो स्थितियाँ बनी, और हम गोपालगंज और कुढ़नी दोनों उपचुनाव जीतने में सफल हुए, उसके कारण हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह है, और पूरे रास्ते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार भी हैं, और वैशाली लोकसभा का सम्मेलन अपने आप में एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा।